नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन है आपका, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, जब जर्मनी का एकीकरण हो रहा था तो उस समय जो है ये आदमी जो है बिस्मार्क, ठीक है, इसका क्या क्या योगदान था, क्या क्या भूमिका था, उसी के बारे में आपको यहाँ पर बता देना है। आइए इसका आंसर देखते हैं, आंसर को आप समझिएगा। दोस्तों बिस्मार्क 19वीं शताब्दी का महान कूटनीतिज्ञ था। दोस्तों जब आप बात करें 19वीं शताब्दी का, ठीक है, उसमें एक नाम आता है बिस्मार्क, ठीक है, और ये जो बिस्मार्क है ये 19वीं शताब्दी का एक बहुत ही महान कूटनीतिज्ञ था, इसको याद रखिए, क्या था, कूटनीतिज्ञ था, ठीक है। आगे बढ़िए, उसने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोस्तों जब आप बात करते हैं जर्मनी के एकीकरण का, ठीक है, उसमें जो है इस बिस्मार्क का नाम आता है, क्योंकि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का बहुत 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 महत्वपूर्ण योगदान था, इसको आप याद रखिए, ठीक है। 1847 में उसने प्रसा की राजनीति में प्रवेश किया। दोस्तों वर्ष था 1847 का, ठीक है, वर्ष था 1847 का, और उसी वर्ष जो है बिस्मार्क ने प्रसा की राजनीति में प्रवेश किया। प्रसा क्या है, प्रसा एक देश का नाम है, और इस देश की राजनीति में 1847 में ये जो बिस्मार्क है इसने प्रवेश किया, ठीक है, तथा प्रसा के संसद का सदस्य बना। दोस्तों ये जो है बिस्मार्क, ठीक है, ये प्रसा का जो संसद है उसका सदस्य बन गया, इसको आप याद रखिए। आगे देखिए आगे क्या क्या होता है, बाद में प्रसा के सम्राट ने उसे प्रसा का प्रतिनिधि नियुक्त किया। दोस्तों देखिए ये बिस्मार्क जो था ये दिन व दिन ऊपर जा रहा था, ठीक है, ये जो है बिस्मार्क इसे जो है प्रसा के सम्राट ने यानी प्रसा के राजा ने जो है इसे प्रसा का प्रतिनिधि चुना, इसको आप याद रखिए, ठीक है, किसको, तो बिस्मार्क को, बिस्मार्क को जो है प्रसा का प्रतिनिधि चुना गया, ठीक है। आगे देखिए, बिस्मार्क की मान्यता थी कि सैनिक दृष्टि से प्रसा को शक्तिशाली बनाकर ही जर्मनी का एकीकरण पूरा किया जा सकता है। दोस्तों बिस्मार्क का एक सोच था, इसका एक मान्यता था, इसका एक मानना था, क्या मानना था, कि अगर जर्मनी का एकीकरण करना है, ठीक है, तो प्रसा को जो है शक्तिशाली बनाना पड़ेगा, यानी प्रसा की जो सेना है, ठीक है, यहाँ की जो सैनिक है उसको शक्तिशाली बनाकर ही जो है प्रसा का सॉरी जर्मनी का एकीकरण किया जा सकता है, ये बात मान्यता था, किसका मान्यता था, तो बिस्मार्क की मान्यता था, ठीक है, इसे आप पढ़ लीजिए, बिस्मार्क की मान्यता था कि सैनिक दृष्टि से, किस दृष्टि से, सैनिक दृष्टि से जो है प्रसा को शक्तिशाली बनाकर ही ये जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा किया जा सकता है, ठीक है। आगे पढ़िए, वह एक महान कूटनीतिज्ञ होने के कारण यह भली भांति समझता था कि जर्मनी का एकीकरण करना इतना सरल नहीं है जितना कि साधारण जनता और आंदोलनकारी समझते हैं। दोस्तों आपको मैंने पहले ही बताया कि ये जो बिस्मार्क था, ठीक है, वो महान कूटनीतिज्ञ था, ठीक है, यानी इसका सोच जो है काफी बड़ा था, ये दूर की बातों को जो है आसानी से सोच सकता था, ठीक है, तो ये बिस्मार्क जो है अच्छे से जानता था कि जितना साधारण जनता और आंदोलनकारी समझते हैं कि जर्मनी का एकीकरण आसानी से हो जाएगा, उतना आसान नहीं है, काफी मुश्किल है जर्मनी का एकीकरण, ये बात जो है बिस्मार्क अच्छे से समझते थे, ठीक है। देखिए जर्मनी का जो जनता था, ठीक है, और जो आंदोलनकारी था उसको लगता था कि जर्मनी का एकीकरण करना काफी आसान है, काफी सरल है, लेकिन बिस्मार्क जो है ये भली भांति समझता था कि ये जो जर्मनी है इसका एकीकरण करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं,
अब आपको जो है यहां पर नीचे लिख देना है, बिस्मार्क के दो प्रमुख उद्देश्य थे। दोस्तों जब आप इस क्वेश्चन आंसर को लिखेंगे तो आप यहां पर लिख देंगे बिस्मार्क के प्रमुख उद्देश्य थे, ठीक है, नीचे आपको लिख देना है। और नंबर वन देखिए आपको लिखना है, प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना। दोस्तों ये जो बिस्मार्क था, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, ये चाहता क्या था, ये चाहता था कि प्रशा के नेतृत्व में जो है जर्मनी का एकीकरण हो, ये बात चाहता था। कौन चाहता था? बिस्मार्क चाहता था, ठीक है। नंबर टू पर ध्यान दीजिए, जर्मनी संघ से ऑस्ट्रिया को निष्कासित करना। दोस्तों ये जो ऑस्ट्रिया है, ठीक है, ये बेवजह जो है जर्मनी के मामले में घुस जाता था, ठीक है, और जर्मनी को परेशान करता था। तो ये जो है बिस्मार्क ये चाहता था कि जर्मनी संघ से ऑस्ट्रिया को निकाल दिया जाए, यानी निष्कासित कर दिया जाए, ठीक है, तथा ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए यूरोप के बड़े देशों का समर्थन प्राप्त करना। दोस्तों ये जो बिस्मार्क था ये चाहता था ऑस्ट्रिया को हम हरा दें, क्योंकि ऑस्ट्रिया जो है ये जर्मनी के मामले में हस्तक्षेप करता था, बेवजह जो है ऑस्ट्रिया जर्मनी के मामले में घुस जाता था, इसीलिए बिस्मार्क चाहता था कि ऑस्ट्रिया को हम हरा दें। इसीलिए ऑस्ट्रिया को हराने के लिए यूरोप के और भी जो बड़े बड़े ताकतवर देश थे उनका समर्थन प्राप्त करना इस बिस्मार्क का उद्देश्य था, ठीक है। आगे देखिए, बिस्मार्क ने कुछ, दोस्तों यहां पर आपको पैराग्राफ चेंज करना है उसके बाद लिखना है, ठीक है। बिस्मार्क ने कुछ समय में प्रशा में एक, देखिए बिस्मार्क ने कुछ समय में प्रशा में एक विशाल और सुसज्जित सेना का निर्माण कर दिया। दोस्तों ये जो बिस्मार्क है, ठीक है, इन्होंने कुछ समय में ही ना प्रशा में क्या क्या, एक विशाल और सुसज्जित आर्मी का निर्माण कर दिया, यानी सेना का निर्माण कर दिया। और अंत में जो है लौह और एवं रक्त, लौह एवं रक्त की नीति का अनुसरण करते हुए उसने केवल 6 वर्षों में संपूर्ण जर्मनी का एकीकरण कर दिया। दोस्तों देखिए ये जो बिस्मार्क था इसने क्या क्या, पहले एक विशाल और सुसज्जित सेना का निर्माण किया, ठीक है, उसके बाद जो है लौह एवं रक्त नीति को अपनाया, ठीक है, और इस नीति को अपनाते हुए 6 वर्षों में यानी कि 1864 से लेके 1870 तक में जो है इसने संपूर्ण जर्मनी का एकीकरण कर दिया, ठीक है। तो यही आपका था क्वेश्चन आंसर। दोस्तों आप इसे अभी तुरंत याद कर लीजिए, और फेयर कॉपी बनाना चाहते हैं तो आप बना लीजिए, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे, ठीक है। अगर आप PDF खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आगे आपको जानकारी दी गई है। दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है कि मैंने PDF तैयार कर लिया है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर PDF चाहिए, PDF रहेगा तो हमेशा के लिए मेरे पास क्वेश्चंस रहेंगे, कभी भी मैं पढ़ सकता हूँ, ऐसे वैसे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। तो मैंने बगल के कैफे वाले भैया से कॉन्टैक्ट किया और टाइपिस्ट भैया को कहा कि कुछ मुझे PDF बनवाना है, तो उन्होंने मुझे जो है PDF रेडी करके दे दिया है। तो PDF बनाने के लिए जो है कुछ मतलब रुपया मुझे काफ़ी खर्च करने पड़ गए। तो दोस्तों आपका जो भी हो फाइनली आपका PDF तैयार हो चुका है, ठीक है। तो जो भी बच्चे PDF खरीदना चाहते हैं तो नीचे आपको यहाँ पर जो है व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ठीक है, इस पर आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है मुझे PDF चाहिए और अपना नाम लिखकर आपको यहाँ पर भेज देना है, ठीक है। दोस्तों PDF का बहुत ही कम मतलब मैंने कॉस्ट यहाँ पर दाम उसका रखा है, मात्र 11 रुपये रखा है प्रत्येक चैप्टर का, ठीक है, एक चैप्टर का 11 रुपये। मतलब आप चैप्टर वाइज जो है जैसे अभी आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो इसका PDF आप खरीद सकते हैं, फिर जब आप अगले चैप्टर में जाएंगे उसका PDF आप खरीद लेंगे, या फिर आपका मन है तो पूरा बुक का एक ही बार में खरीद सकते हैं। तो आप जैसा भी चाहें तो आप खरीद सकते हैं, बहुत ही कम फी है रखा है मैंने, मात्र 11 रुपये, ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू।